एवरीवन, मैं कल्पना यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ एग्री स्टडी पॉइंट के ई प्लेटफॉर्म पर। तो आज है साल का पहला दिन। सबसे पहले आपको मेरी और एग्री स्टडी पॉइंट की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आपने जो इस ईयर के लिए टारगेट किया है आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक, दैट इज स्वीट पोटैटो। तो हम आज स्वीट पोटैटो के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ये पिक्चर जो दिखाई गई है ये जनरल इंट्रोडक्शन देती है कि कैसे हम स्वीट पोटैटो को ग्रो करते हैं और कैसे वो मैच्योरिटी की तरफ जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीड को लगाते हैं, उसके बाद जर्मिनेशन होता है, फिर स्प्राउटिंग होती है उसमें, आफ्टर दैट सीडलिंग बनते हैं एंड देन रूट्स प्रोड्यूस होती हैं और हमें लास्ट में अपना इकोनॉमिक प्रोडक्ट मिलता है जो कि है रूट्स। और वहाँ से हम सीड भी ले सकते हैं जिससे हम फिर से ये साइकिल को दोबारा शुरू करते हैं। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, अब हम अपने मेन पॉइंट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हर क्रॉप्स की तरह इसमें भी हम जो साइंटिफिक नेम क्या है इसका, वो इसकी फैमिली क्या है, वो सब के बारे में देखते हैं। तो जो स्वीट पोटैटो है उसका साइंटिफिक नेम है आइपोमिया बटाटास। ठीक है, आइपोमिया इज द जीनस एंड बटाटास इज द स्पीसीज ऑफ दिस। ओके, तो आम पॉपुलरली इसको इंडिया में क्या कहते हैं, हमने देखा है कि हम शक्करगंदी कहते हैं इसको। ठीक है, और तो हम इसको शक्करगंद के नाम से भी बुलाते हैं इंडिया के अंदर। तो ये इसका कॉमन नेम है इंडिया में। उसके बाद बात करें इसकी फैमिली की, तो फैमिली है इसकी कॉर्नवोबुलेसी। ये कॉर्नवोबुलेसी से बिलोंग करती है, आपको इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना है पोटैटो के साथ, पोटैटो की अलग फैमिली है, वो हम आपको आगे बताएंगे। क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो जो स्वीट पोटैटो है वो क्या है, एक हेक्सोप्लॉइड स्पीसीज है। एंड हेक्सोप्लॉइड स्पीसीज है, इसके अंदर क्रोमोजोम नंबर होते हैं 90। उसके बाद इसके ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिनेट हुई है सेंट्रल और साउथ अमेरिका से। और जो प्रोजिनेटर है स्वीट पोटैटो का, या जो एंसेस्टर हम कहते हैं, वो कौन है, आइपोमिया ट्राइफिडा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कौन से क्रॉप है, उसका एंसेस्टर कौन है, या फिर उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो आपको ये सब याद रखना है। आगे हम पढ़ते हैं, तो अभी हमने देखा था कि स्वीट पोटैटो और पोटैटो के बारे में। तो समटाइम्स हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि जिसने इसको एक बार भी नहीं पढ़ा है कि स्वीट पोटैटो या पोटैटो की सेम फैमिली हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। हमने देखा कि स्वीट पोटैटो की फैमिली है क्या, कॉर्नवोबुलेसी, और जो पोटैटो है उसकी फैमिली होती है सोलेनेसी। सोलेनेसी जिसको हम नाइट शेड फैमिली भी बोलते हैं। बट इनमें कॉमन चीज क्या है कि ये दोनों ही फैमिलीज, दिस बोथ फैमिलीज बिलोंग टू द सेम टैक्सोनॉमिक ऑर्डर। इन दोनों का टैक्सोनॉमिक ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम है, और वो कौन सा है, सोलेनेस। तो पोटैटो और स्वीट पोटैटो की फैमिलीज अलग अलग है, बट इनका टैक्सोनॉमिक ऑर्डर है वो है सेम, जो कि है सोलेनेस। उसके बाद हमने देखा था कि जो स्वीट पोटैटो है वो एक हेक्सोप्लॉइड स्पीसीज है, लेकिन जो स्वीट पोटैटोज है सेक्शन बटाटाज में इज द ओनली हेक्सोप्लॉइड स्पीसीज। ये इकलौती हेक्सोप्लॉइड स्पीसीज है बटाटाज सेक्शन में। ठीक है, हेक्सोप्लॉइड स्पीसीज के अलावा इसके अंदर अलग डिप्लॉइड स्पीसीज भी देखने को मिलती है और टेट्राप्लॉइड स्पीसीज भी देखने को मिलती है। तो जो डिप्लॉइड स्पीसीज है उनके अंदर क्रोमोजोम होते हैं 13 नंबर एंड जो टेट्राप्लॉइड्स है उनके अंदर होते हैं 16 नंबर। ओके, तो आगे हम इसमें देखें तो जो स्वीट पोटैटो है हमारी वो क्या है, एक हर्बेसियस पेरिनियल वाइन है। जनरली क्या होती है, ये पेरिनियल वाइन होती है और हर्बेशियस इन नेचर होती है, मतलब इसके अंदर वुडी स्टेम नहीं होता। जो हर्ब होते हैं उनके अंदर क्या होता है, नॉन वुडी स्टेम होता है। बट जब हमें अपना इकोनॉमिक प्रोडक्ट चाहिए होता है, जब हमें इसकी रूट्स हमें चाहिए, तो हम इसको कल्टिवेट करते हैं एज ए एनुअल प्लांट। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये इसकी वाइन है और ये इसका फ्लोर है। ठीक है, आगे बात करें जो स्वीट पोटैटो है वो एक शॉर्ट डे प्लांट होता है। शॉर्ट डे प्लांट कौन से होते हैं, जिनको लगभग 12 घंटे से कम लाइट चाहिए होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं जिनको शॉर्ट लॉन्ग डार्क पीरियड चाहिए होता है और
शॉर्ट लाइट पीरियड चाहिए होता है, ठीक है। तो शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं उनको हम फ्लावरिंग टाइम के हिसाब से कहते हैं। जब फ्लावरिंग के लिए जिनको 12 घंटे से कम लाइट चाहिए वो क्या होंगे, शॉर्ट डे प्लांट जनरली, और जिनको 12 घंटे से ज़्यादा लाइट चाहिए उनको हम कहेंगे लॉन्ग डे प्लांट। बट यहाँ पर हम बात करें जैसे कि जो खरीफ, हम इसको स्वीट पोटैटो को जनरली खरीफ सीजन में लगाते हैं, और जो खरीफ क्रॉप्स होती है उनको हम देखते हैं कि हम लगभग जुलाई के अंदर या अगस्त के अंदर हम इनको इनकी शोइंग कर देते हैं जो खरीफ क्रॉप्स होती है। लेकिन जब इनका फ्लावरिंग टाइम आता है तो फ्लावरिंग टाइम जब आता है उस टाइम पे क्या होता है, दिन छोटे होने लग जाते हैं। तो इस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि ये शॉर्ट डे है या लॉन्ग डे। तो जब फ्लावरिंग टाइम पे डे शॉर्ट होने लग जाते हैं इसका मतलब ये शॉर्ट डे होगा, है ना। उसी प्रकार जो खरीफ वाली होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जनरली शॉर्ट डे क्रॉप्स, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं वो। और जो रबी क्रॉप्स होती हैं उनको हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। उसके बाद में हम इसमें देखें जो स्वीट पोटैटो है वो एक शॉर्ट मैच्योरिटी की क्रॉप है, ठीक है। ये जो क्रॉप की मैच्योरिटी है वो एक बहुत ही कम समय में हम आ जाती है इसके अंदर, और इसी वजह से ये वाइड रेंज ऑफ ग्रोइंग कंडीशन से क्या होता है, टॉलरेंट होता है, ठीक है। एक मतलब अगर आपकी लाइफ साइकिल एक ही महीने की है, ठीक है, आप एक ही महीने में अपना पूरा जीवन यापन कर लेते हो, और मान लीजिए एक्सट्रीम कंडीशन उस एक महीने में नहीं आती है, तो क्या कहेंगे हम, उस चीज़ से टॉलरेंट है। तो इसकी शॉर्ट लाइफ होने के कारण ये बहुत सारी जो वाइड रेंज की प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्रोइंग कंडीशन हैं, उनसे ये क्या होती है, टॉलरेंट होती है। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट इसमें हम बात करें जो यूएस से है, हमने देखा कि जो स्वीट पोटैटो है ना वो एक ट्यूबर क्रॉप है, और इसको जनरली बहुत सारी कंट्रीज के अंदर एक स्टेबल फूड की तरह इसको खाया जाता है। ओके, तो जो यूएसए है वहाँ पर 60-70% जो स्वीट पोटैटो है उसको ह्यूमन फूड के लिए यूटिलाइज किया जाता है। फिर इसके अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखें, जो इंडिया में जो स्वीट पोटैटो है हम उसको जनरली रेड फैड क्रॉप की तरह लगाते हैं, मतलब इसकी शॉर्ट ग्रोइंग कंडीशन होती है। उस जब हम इसको खरीफ सीजन में लगाते हैं तो मानसून के बाद हम जब इसको लगाते हैं तो सफिशियंट मॉइस्चर हमारी सोइल के अंदर होता है, तो इसको एज ए रेन फेड क्रॉप हम लगा सकते हैं, एज ए बारानी फसल हम इसको लगा सकते हैं। फिर बात करें इसके टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की, तो टेम्परेचर इसकी जो रेंज है टेम्परेचर की, इसको लगभग 24 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। तो पर्टिकुलर रेंज जो 25 से 32 डिग्री सेल्सियस है वो इसके लिए ऑप्टिमम रेंज होती है इसकी ग्रोथ के लिए। बट अगर इसको ट्यूबर फॉर्मेशन करनी है तो ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए इसका आइडियल टेम्परेचर होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसकी जो ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए जो इसको लाइट रिक्वायरमेंट होती है, तो जो टोटल इसको लाइट चाहिए ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए वो लगभग इसको 18,000 से 40,000 लक्स तक इसको लाइट चाहिए। ये क्या है, जो लाइट इंटेंसिटी होती है उसके एक स्टैंडर्डाइज यूनिट है ये, ठीक है। जो इल्यूमेंस इल्यूमिनेंस जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये एक स्टैंडर्डाइज इसकी यूनिट है जिसको हम लाइट के लिए यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें जो स्वीट पोटैटो है उसके अंदर कुछ वेराइटीज़ हैं जिनके अंदर कैरोटीन की भरपूर मात्रा होती है, जैसे कि जो ऑरेंज फ्लैश वाली वेराइटीज़ है उनके अंदर कैरोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है, एंड इट रेंजेस बिटवीन 5.4-20 mg/100 g। ओके, नेक्स्ट इसमें हम आते हैं इसकी फ्लावर कैसे होते हैं और इसके अंदर किस टाइप के पोलिनेशन मिलती है, ठीक है। तो किस टाइप की इसके अंदर पोलिनेशन मिलती है, किस टाइप के इसके अंदर फ्लावर होते हैं उनको देखते हैं। तो जो स्वीट पोटैटो है वो फ्लावर है उसके जो वो होते हैं बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक साथ प्रेजेंट होता है। ओके, और मोनोइसियस क्या होता है, मोनोइसियस वो होता है जिसमें फीमेल और मेल एक ही प्लांट पे होते हैं बट अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। जैसे कि ये प्लांट है, यहाँ पे है फीमेल और यहाँ पर है मेल। बट जो बाईसेक्सुअल होता है उसमें क्या होता है, जी
ये कंडीशन होता है जिसमें एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल साथ में होते हैं। ठीक है, तो ये फ्लावर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है इसका स्टिग्मा। ठीक है, ये इसकी स्टाइल है, इसके साइड में ये क्या है, इसके एंथर्स। ठीक है, एंथर और फिलामेंट है, मतलब ये इसका स्टेमन है, जिसमें जो स्टेमन होता है उसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है यहाँ पे, इसको हम एंथर बोलते हैं और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और ये पूरा है जो, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी ओवरी है, उसके बाद कैलिक्स ट्यूब है और पेडिसिल है और पेडंकल है। ठीक है, पेडिसिल हम किसको बोलते हैं, कई बार हम पेडिसिल और पेडंकल में कंफ्यूज होते हैं। पेडिसिल किसको बोलते हैं, अगर हमारा एक फ्लावर है इसका जो स्टाक है इसको हम क्या बोलते हैं, पेडिसिल। लेकिन अगर हमारे कई फ्लावर्स हैं उसकी जो स्टाल्क होती है उसको हम जनरली पेडंकल बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे ये स्टाल्क है, इसको हमने पेडंकल बोला है। यहाँ पे देखो और फ्लावर बड्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे और फ्लावर्स बन सकते हैं, तो इसलिए ये पार्ट है इसका, ये क्या है, पेडंकल है। और जो सिर्फ एक फ्लावर की जो स्टाल्क है उसको क्या बोलते हैं, हम पेडिसल बोलते हैं। और इसके अंदर जो ये एक ट्यूब की तरह फॉर्मेशन होती है, ये पूरा क्लोज होगा तो एक ट्यूब की तरह होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला ट्यूब बोलते हैं। ओके, उसके बाद बात करें जो इनफ्लोरिसेंस होती है इसके में, वो कैसी होती है, साइमोस टाइप होती है। जो इनफ्लोरिसेंस होती है वो साइमोस टाइप की होती है, मैंने कई वीडियोस में बताया है। जो साइमोस होती है उसमें क्या होता है, जो मेन एक्सिस होता है वो ग्रो करना रुक जाता है, उसके अलावा अलग से एक स्टाल्क निकल के आती है, फिर ये ग्रो करना रुक जाता है, फिर अलग स्टाल्क, तो ऐसे कंटिन्यू स्टाल्क ऐसे ओरिजिनेट होती हैं। तो ये टाइप की इनफ्लोरिसेंस क्या होती है, साइमोज होती है, जिसके अंदर मेन एक्सिस ग्रो करना स्टॉप हो जाता है और साइड ब्रांचेस ग्रो करती हैं। और इसके अलावा एक होती है रेसिमोज। रेसिमोज में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है वो ग्रो करता जाता है, इनडेफिनेटली ये ग्रो करता जाता है। और इसमें जो ओल्ड फ्लावर्स होते हैं वो नीचे होते हैं और जो न्यू फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर होते हैं। ओके, समझ आया आपको? ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसके कलर की। तो जो फ्लावर कलर होता है स्वीट पोटैटो में वो होता है वाइट टू पर्पल। आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं ये पर्पल और वाइटिश कलर है। ठीक है, तो इसका फ्लावर का कलर होता है वाइट टू पर्पल। फिर ये हाईली क्रॉस पोलिनेटेड होती है और हेट्रोजाइगस क्रॉप होती है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये बाइसेक्सुअल है, बट इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी देखने को मिलता है क्योंकि इसके अंदर स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्रॉस पोलिनेटेड होती है ड्यू टू स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और जो क्रॉस पोलिनेशन के लिए इसमें एजेंट्स है उनमें है हनी बीज और बम्बल बीज। ठीक है, तो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होती है, जो इसकी इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन जो होती है वो कौन कंट्रोल करता है, जीनोटाइप ऑफ प्लांट। और जो गैमेटोफिटिक होती है उसके अंदर जीनोटाइप ऑफ पोलन कंट्रोल करता है इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन को। नेक्स्ट इसमें बात करें कि इसके फ्रूट कैसे होते हैं और सीड कैसे होते हैं। तो जो फ्रूट इसके अंदर होता है वो कैप्सूल टाइप होता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये कैप्सूल टाइप इसका फ्रूट है, इसमें पिक्चर में आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा, समझ आएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो सीड्स हैं वो होते हैं ब्लैक कलर के, और जो इसकी जो कवरिंग होती है सीड की कवरिंग को क्या बोलते हैं, टेस्टा, वो बहुत ही हार्ड होती है। ठीक है, तो फ्रूट्स इसके अंदर क्या है, फ्रूट्स आर कैप्सूल हैविंग ब्राउनिश ब्लैक सीड्स विद अ वेरी हार्ड टेस्टा। उसके बाद बात करें इसके अंदर एंथेसिस कब होता है। एंथेसिस क्या होता है, ओपनिंग ऑफ फ्लावर। ठीक है, ओपनिंग ऑफ फर्स्ट फ्लावर भी हम बोलते हैं इसको, तो ओपनिंग ऑफ फर्स्ट फ्लावर होती है ये लगभग। एंथेसिस जो होता है इसके अंदर वो 4 से 5 बजे के आसपास होता है, मॉर्निंग आवर्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ये शॉर्ट डे प्लांट होता है, तो इसको कितनी लाइट की जरूरत होती है, कितने घंटे इसको लाइट चाहिए प्रॉपर
फ्लोरिंग के लिए, तो जो आइडियल डे लेंथ होती है स्वीट पोटैटो की फ्लोरिंग के लिए वो होती है 11.5 आवर्स। 11.5 आवर्स की इसको लाइट मिलती है तो ये ऑप्टिमम फ्लोरिंग करता है, प्रॉपर फ्लोरिंग करता है। बट अगर इससे ज़्यादा हम लाइट देते हैं तो फ्लोरिंग होना बंद हो जाती है, क्योंकि ये एक शॉर्ट डे प्लांट है। तो अगर हमने गलती से इसको 13.5 आवर से ज़्यादा लाइट दे दी तो ये बिल्कुल ही फ्लोरिंग करना बंद कर देता है। ओके, सो नेक्स्ट इसके अंदर एक हम देखते हैं कि एक सूटेबल रूट्स तो कल्टीवेटर चाहिए हमें फ्लोवरिंग के लिए और सीड सेट के लिए। तो एक सूटेबल जो रूट्स तो कल्टीवेटर है फ्लोवरिंग के लिए और सीड सेट के लिए वो कौन है इसके अंदर, दैट इज आइपोमिया कार्निया सब स्पीसीज फिस्टुलोसा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। उसके बाद इसके अंदर एक ऑपरेशन होता है टर्निंग ऑफ वाइन। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, ये कई बार जीआरएफ के एग्जाम में भी पूछा गया है कि जो टर्निंग ऑफ वाइन है वो कौन सी क्रॉप के अंदर प्रैक्टिसाइज किया जाता है। तो ये किस में होता है, स्वीट पोटैटो के अंदर, लगभग आफ्टर 30 डेज ऑफ प्लांटिंग। उसके बाद क्या होता है, जो वाइन्स होते हैं उनको हम उलट देते हैं ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की, कि हमें एक प्रॉपर स्वीट पोटैटो के अंदर हमें कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए, कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जिसके लिए हम अपनी स्वीट पोटैटो को ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले बात करें ब्रीडिंग कल्टीवर्स फॉर टेबल यूज। टेबल यूज मतलब हमारे खाने के लिए, मतलब जो स्वीट पोटैटो है उसकी ईटिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर स्वीटनेस होनी चाहिए, सॉरी। तो ये क्या है, हमारे ब्रीडिंग ईटिंग के लिए जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है वो हमारी अच्छी ईटिंग क्वालिटी और प्रॉपर स्वीटनेस उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद बात करें ब्रीडिंग कल्टीवर्स फॉर प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेसिंग के लिए हम कैसे कल्टीवर्स डेवलप करें, ठीक है। ऐसे कल्टीवर्स जिनके अंदर हाई अमाउंट में इसके अंदर बीटा कैरोटीन हो, एंथोसाइनिन कंटेंट हो, जैसे हमने देखा था जो ऑरेंज फ्लैश स्वीट पोटैटो है, या फिर जो हमारी पर्पल फ्लैश की है, पर्पल कलर वाली जो स्वीट पोटैटो है उनके अंदर ये हाई मात्रा में मिलता है, ठीक है, जो एंथोसाइनिन है और कैरोटीन है। तो हम उस टाइप के कल्टीवर्स ज़्यादा डेवलप करें। उसके बाद है ब्रीडिंग कल्टीवर्स फॉर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, जिससे हम अल्कोहल बना सकें या फिर जिससे हम स्टार्च बना सकते हैं, तो हमें इस टाइप के कल्टीवर्स भी चाहिए। उसके अलावा जो हमें हाई यील्ड दे वो कल्टीवर्स, कल्टीवर के अंदर क्या होना चाहिए, वो हाई यील्डिंग होना चाहिए, जो हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण इसका एम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एम हाई यील्ड। हाई यील्ड होगी तो हमारी क्या है, हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद गुड कीपिंग और कुकिंग क्वालिटी, ठीक है, लंबे समय तक उसको हम स्टोर कर सके और वो अच्छे से हम उसको कुक कर सके, और हाई प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए इसके अंदर। उसके अलावा ये एबायोटिक स्ट्रेस और बायोटिक स्ट्रेस जैसे पेस्ट और डिजीज, उन सब से क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंट होने चाहिए। तो ये थे इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव कि हमें क्या क्या इसके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए एक स्वीट पोटैटो में। फिर बात करते हैं इसके कुछ यूजेस। तो हमने देखा कि ये एक स्टेपल फूड की तरह भी काम करता है, कई कंट्रीज के अंदर इसको खाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट स्टार्ची फूड है, इट इज इम्पोर्टेंट स्टार्ची फूड थ्रू आउट द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद बात करें ये चीपेस्ट सोर्स है कैलोरीज का, तो स्वीट पोटैटो से हमें हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज मिलती है, हमें हाई ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं। तो और इसको कोई भी इंसान जो अमीर है या गरीब है वो आसानी से इसको खरीद भी सकता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये चीपेस्ट सोर्स है कैलोरीज का, ठीक है। उसके बाद बात करें जो स्वीट पोटैटो है, दिस इज कंसिडर्ड एज ए फेमाइन रिलीफ क्रॉप एज इट हैड प्लेड अ
पिवोटल रोल इन एलिवेटिंग द बंगाल फैमाइन ऑफ 1942। जब बंगाल के अंदर फैमिन आई थी 1942 के अंदर, उस टाइम पे स्वीट पोटैटो ने अहम रोल निभाया था लोगों को उनकी जो उनकी भूख मिटाने के लिए, या फिर उनकी जो भी नीड्स थी, हंगर नीड्स, उनको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे जब भी कोई फैमाइन आता है तो क्या होता है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है। तो उस टाइम पे स्वीट पोटैटो ने उस फूड शॉर्टेज को पूरा किया था। जो बंगाल फेमाइन था वो कब आया था, 1942 के अंदर आया था। उस टाइम पे क्या हुआ कि फेमाइन के साथ ही सबसे पहले एक साइक्लोन भी बंगाल से टकराया था। उस साइक्लोन के कारण क्या हुआ, जो सी वाटर था वो सारे राइस के फील्ड्स के अंदर फैल गया, सारी क्रॉप्स खराब हो गई, और उस क्रॉप के जो साल्टी वाटर था उससे एक फंगस थी वो सारे फील्ड्स के अंदर फैल गई, जो कि हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे एक फंगस थी। ठीक है, कौन सी फंगस थी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। ठीक है, और कौन सी डिजीज ये करती है, दैट इज ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस कॉज करती है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, जो कि बंगाल फेमाइन के दौरान ये डिजीज बहुत ज़्यादा मात्रा में आई थी, बहुत ज़्यादा तेजी से फैल गई थी, सारे के सारे राइस फील्ड्स को इसने ख़राब कर दिया था और राइस की शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो को हम एक फेमाइन रिलीफ क्रॉप भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करें जो स्वीट पोटैटो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है स्टार्च का। ग्लूकोज इससे मिलता है हमें, पैक्टीन शुगर सिर्फ बना सकते हैं, या फिर अदर इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे अल्कोहल है उनके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर बात करें, इट इज ऑल्सो इट हैज अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ विटामिन ए, बी एंड सी। तो इसके अंदर जो विटामिन ए है, विटामिन बी है, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन इसके अंदर मिलते हैं, जैसे कि जो ऑरेंज फ्लैश वाली है, बीटा कैरोटीन है, तो वो हमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में देती है। तो उसी प्रकार से इसके जो अलग अलग कलर की हमारी स्वीट पोटैटो है उससे हमें विटामिन्स और अदर जो मिनरल्स हैं वो हमें मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करें कल्टीवर्स की, तो कल्टीवर्स की बात करें तो इसमें दो टाइप के कल्टीवर होते हैं। तो जनरली हम इसके अंदर मानते हैं एक स्टेबल टाइप के होते हैं। स्टेबल टाइप जो होते हैं वो वाइट फ्लैश और वाइट और पर्पल स्किन वाले होते हैं, दैट हैज ए हाई स्टार्च एंड ड्राई मैटर कंटेंट। उसके अलावा एक होते हैं डेसर्ट टाइप, ठीक है, जिसको हम एक डेसर्ट के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि ऑरेंज फ्लैश वाले, ऑरेंज फ्लैश विद ऑरेंज स्किन एंड विद ए हाई शुगर एंड बीटा कैरोटीन कंटेंट। तो जनरली इसको हम इसीलिए दो भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं कि एक स्टेबल फूड की तरह खाया जाता है और एक डेसर्ट की तरह खाया जाता है। इसके अलावा इसको हम इसके कलर के आधार पर भी इसको क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि इसके अंदर ऑरेंज कलर वाली हो सकती है, रेड कलर वाली या पर्पल कलर वाली। ठीक है, ऑरेंज कलर विद ऑरेंज फ्लैश, रेड कलर या फिर पर्पल कलर विद क्रीम और वाइट फ्लैश हो सकती है, या फिर वाइट हो सकती है और क्रीम स्किन वाली हो सकती है विद वाइट और क्रीम फ्लैश। तो कलर के आधार पर भी इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्वीट पोटैटो को। तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे ऑरेंज फ्लैश वाली है, ठीक है, ये पर्पल कलर और पर्पल फ्लैश है इसके अंदर, ठीक है, ये रेड कलर और इसके अंदर क्रीम फ्लैश है। ठीक है, उसी प्रकार ये क्रीम कलर और क्रीम स्किन कलर और क्रीम वाइट इसके अंदर फ्लैश कलर है। तो इसके हिसाब से भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आती है वेराइटीज। सो जो स्वीट पोटैटो है जो हम ग्रो करते हैं मेनली, हम जो हमारे लोकल कल्टीवर्स हैं उनको हम ज़्यादा अहम भूमिका वो हमारे इसमें निभाते हैं। तो जो मेनली हम इंडिया के अंदर जो मोस्टली पॉपुलर लोकल कल्टीवर्स हैं उनको हम ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम जो कल्टीवर्स ग्रो करते हैं उनमें है जैसे पूसा सफ़ेद है और पूसा लाल है, ये हम बिहार और यूपी के एरिया में ग्रो करते हैं जनरली, ठीक है। ये उन एरियाज के लिए अच्छी
कल्टीवर माने जाते हैं। उसके अलावा राजेंद्र शक्करगंध है, राजेंद्र शक्करगंध 92, ये जो बिहार के फ्लड प्रोन एरियाज है उन हिस्सों में इसको उगाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा है H28, ये महाराष्ट्र के इलाकों में उगाई जाती है, ठीक है। ये है कनहंग लोकल, इसको केरला के इलाकों में उगाया जाता है। और उसके अलावा है जैसे H41, H42, H268, H30, ये आंध्र प्रदेश के इलाकों में उगाई जाती है। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वेराइटीज हमें जनरली एग्जाम्स में पूछने को मिलती है उनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि जो श्री वाली नंदिनी सॉरी श्री वाली वेराइटीज है उनको जनरली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। जैसे श्री नंदिनी, ठीक है, श्री नंदिनी और श्री वर्धनी दोनों ही क्लोनल सिलेक्शन से इनको डेवलप किया गया है, ठीक है। और जो श्री नंदिनी है वो ड्रॉट टॉलरेंट है, तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी फॉलोइंग में से कौन सी वेराइटी जो है वो ड्रॉट टॉलरेंट है, और आपको ये लगभग 4-5 वेराइटीज का नाम दे दिया जाएगा, तो आपको श्री नंदिनी पे टिक करना होता है, ठीक है। उसके बाद है जैसे श्री वर्धनी है, श्री वर्धनी भी क्लोनल सिलेक्शन से है और इसके अंदर पर्पल स्किन है और येलो फ्लैश है, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा श्री रेटना, श्री रेटना जो है वो हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप की गई है और इसकी स्किन जो है वो पर्पल होती है और फ्लैश है वो ऑरेंज होता है, ओके। फिर है श्री भद्रा, श्री भद्रा जो है वो भी क्लोनल सिलेक्शन से ही डेवलप की गई है और ये एक ट्रैप क्रॉप का काम करती है रूट नोट निमेटोड्स के लिए, ठीक है। रूट नोट निमेटोड्स की प्रॉब्लम आती है स्वीट पोटैटो में, ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चन आता है कि ट्रैप क्रॉप जो है रूट नोट निमेटोड के वो के लिए हम वो कौन सी कल्टीवर को यूज करते हैं, वो है श्री भद्रा। फिर है एक श्री कनक, श्री कनक जो है वो इंटर वेराइटल हाइब्रिड है एंड दिस इज ए शॉर्ट ड्यूरेशन और बीटा कैरोटीन रिच वेराइटी है, तो आपको इनके फीचर्स याद रखने हैं, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। उसके अलावा है पूसा लाल, पूसा लाल जो है उसकी गुड कीपिंग क्वालिटी है, पूसा सफेद है उसकी एक्सीलेंट कुकिंग क्वालिटी है। उसके बाद है CO3 जो है उसमें ऑरेंज फ्लैश है एंड दैट इज बीटा कैरोटीन रिच वेराइटी। फिर है पूसा भारती, और पूसा भारती के अंदर जो है वो वाइटामिन सी कंटेंट हाई है और बीटा कैरोटीन भी इसके अंदर मिलता है। फिर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, जनरली ऊपर दे देते हैं कि जैसे वर्ध है, कालमेघ है, गोल्ड रश है, ये कौन सी क्रॉप के कल्टीवर्स है, ठीक है, कौन सी क्रॉप की वेराइटीज है। तो जो वर्ध है, कालमेघ है, गोल्ड रश है, कोंकण अश्वनी है, ये सारे किसके हैं, स्वीट पोटैटो के एक कंटेनियल है, ओके। तो जो कोंकण अश्वनी है इसको सिलेक्शन से डेवलप किया गया है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है, आपको ये याद रखना है। सो नेक्स्ट है इसमें प्लांटिंग सीजन, तो प्लांटिंग सीजन की बात करें, हमने देखा था ये खरीफ सीजन के अंदर इसको लगाते हैं, जनरली इसको रेन फेड हम लगाते हैं, तो इसको हम जून जुलाई के अंदर या फिर सेप्टेम्बर मंथ के अंदर इसको हम प्लांट करते हैं इसकी, ठीक है, इसकी प्लांटिंग करते हैं। और जो बेस्ट मेथड है इसको प्लांट करने का वो हम रिज एंड फ्रो मेथड है, ओके। तो इसका जो रिज एंड फ्रो मेथड है वो इसको प्लांट करने का बेस्ट तरीका है। और उसके बाद हमारे जो स्वीट पोटैटो है उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन जब हम करते हैं वो किससे करते हैं, वाइन कटिंग से, ठीक है, हम वाइन की कटिंग्स ले लेते हैं और उनको हम प्लांट करते हैं, तो वाइन कटिंग इसका कॉमर्शियली प्रोपोगेशन का तरीका है। और जो रिक्वायर्ड कटिंग्स होती हैं एक हेक्टेयर के लिए वो लगभग होती हैं 40,000 से 50,000 कटिंग्स पर हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद इसमें हम ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें तो जो साइकोसेल है और जो SDH है ये दोनों क्या है इसके अंदर बेस्ट PGRs हैं इसकी ट्यूबर यील्ड को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट इसमें जो प्लांटिंग हम करते हैं हमने देखा वाइन कटिंग से करते हैं और उनको हम कैसे प्लांट करते हैं, जनरली जो वाइन कटिंग हम लेते हैं उसको जो मिडिल पोर्शन होता है उसको हम क्या करते हैं सोइल के अंदर बरी कर देते हैं और जो साइड वाले पोर्शन है इसके जो बोथ एंड्स है उनको बाहर की तरफ एक्सपोज करते हैं। जब हम इस तरीके से हमारी वाइन को प्लांट करते हैं तो हमारी जो
हमारी जो रूट्स होती हैं वो प्रॉपर शेप में और ज़्यादा बड़ी हमें मिलती हैं। तो ये इसका सही तरीका है इसकी कटिंग को लगाने का। उसके बाद बात करें आइडियल डेप्थ जो है प्लांटिंग की, वो लगभग होनी चाहिए 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है, कैसे हम कटिंग को प्लांट करते हैं। उसके बाद जो हम स्वीट पोटैटो को जनरली क्लोज स्पेसिंग में लगाते हैं, हाईली डेंस इसको हम लगाते हैं, और उससे हमें क्या होती है मैक्सिमम ट्यूबर यील्ड मिलती है। तो एक क्लोज स्पेसिंग इज जनरली रिकमेंडेड फॉर स्वीट पोटैटो टू अचीव द मैक्सिमम ट्यूबर यील्ड। नेक्स्ट इसमें बात करें जो मैच्योरिटी है उसको हम कैसे पता लगाते हैं कि ये मैच्योर हो गई है या अभी मैच्योर नहीं हुई है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी रूट है उसको हम क्या करते हैं कट कर देते हैं, ठीक है। जब उसको हम कट करते हैं तो उसमें से क्या आता है, एक व्हाइट कलर का लेटेक्स आता है, एक व्हाइट लेटेक्स आता है। अगर कट करने के बाद जब वो व्हाइट लेटेक्स बाहर आता है, अगर वो व्हाइट लेटेक्स सूख के काले रंग का हो जाता है, तो इसका मतलब हमारी स्वीट पोटैटो है वो मैच्योर नहीं हुई है। लेकिन अगर वो व्हाइट ही रहता है, इसका मतलब हमारी स्वीट पोटैटो मैच्योर हो गई है। तो मैच्योरिटी कैन बी एसर्टेन बाई कटिंग ट्यूबर एज द लेटेक्स फ्रॉम द मैच्योर ट्यूबर ड्राइज अप विदाउट टर्निंग ब्लैक। जो मैच्योर ट्यूबर है वो लेटेक्स होगा उसका, वो काला नहीं पड़ेगा, वो सफेद ही रहेगा। उसके बाद बात करें जो टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग टाइम जनरली हम कल्टीवर्स के अंदर देखें तो थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, किसी में 1-2 दिन पहले हो जाती है, किसी में 1 वीक के बाद हो जाती है। तो इस प्रकार से हार्वेस्टिंग टाइम थोड़ा सा डिफर करता है, बट जनरली 120 से 180 दिन के अंदर हमारी क्रॉप को हम प्रॉपरली हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करें जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमें इसको मैकेनिकल इंजरी से बचाना है। जब इसकी हम डिगिंग करते हैं इसको, तो इसको हमें मैकेनिकल इंजरी से बचाना है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहे, ठीक है, जल्दी से ख़राब ना हो हमारे, और इसकी जो हमें प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिले, इसकी मार्केटेबल वैल्यू है वो भी ज़्यादा मिले। फिर बात करें एक्सेसिव रेनफॉल या फिर लॉन्ग फोटो पीरियड, वो क्या करेंगे, अगर ज़्यादा बारिश हो रही है और ज़्यादा लंबे दिन हैं, ठीक है, ज़्यादा लाइट मिल रही है, तो इसमें सिर्फ वाइन की ग्रोथ ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। वाइन वाइन ही हमें चारों तरफ देखने को मिलेगी, उसके अंदर क्या है रूट की डेवलपमेंट नहीं होती है। तो इसीलिए हमने देखा ये शॉर्ट डे क्रॉप है, तो इसको कम लाइट चाहिए इसको, ठीक है। और जो जनरली इसको रेनफेड लगाते हैं, अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो हमारी ट्यूबर यील्ड है वो बहुत कम आती है। नेक्स्ट इसकी यील्ड की बात करें, इसको हम इरिगेटेड कंडीशन में जब लगाते हैं, ठीक है, इरिगेटेड कंडीशन में लगाते हैं तो हमें 35 से 40 दिन पर हेक्टेयर यील्ड मिलती है, और अगर हम इसको रेनफेड कंडीशन में लगाते हैं तो हमें 8 से 10 टन पर हेक्टेयर यील्ड मिलती है। और इंडिया में जनरली हम इसको रेनफेड हम इसको लगाते हैं। फिर बात करें स्टोरेज की, तो स्वीट पोटैटो को हम स्टोरेज कर सकते हैं 13 से 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ इसको हम 6 to 7 month के लिए स्टोर कर सकते हैं, अगर प्रॉपरली इसको हमने क्यूर किया है, ठीक है, इसकी प्रॉपरली क्यूरिंग हमने की है। क्यूरिंग में क्या होता है, इसको हम टेम्परेचर हाई टेम्परेचर देते हैं, जिससे क्या होता है इसकी जो स्किन होती है वो हार्ड हो जाती है, और हार्ड स्किन से क्या होता है इसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। क्यूरिंग से इसके जो फ्लेवर्स हैं वो भी मेंटेन रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं डिजीज कौन कौन सी आती है, तो इम्पोर्टेंट डिजीज है इसके अंदर कौन सी है, जैसे स्टेम रोट है या विल्ट है, ठीक है, ये किस वजह से होती है, फ्यूजेरियम ऑक्जिस्पोरियम फार्मास्पीसिस पटाटास। और नेक्स्ट है ब्लैक रोट, ब्लैक रोट इसके अंदर आती है जो कि होती है सीराटोसिस्टिस फिम्ब्रियाटा की वजह से। फिर है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट इसमें आती है सर्कोस्पोरा बटाटिकोला की वजह से। जो सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है वो पहली बार कब रिपोर्ट, कहाँ रिपोर्ट हुई थी, अफ्रीका के अंदर सबसे पहले जो सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट थी वो उसको देखा गया था अफ्रीका के अंदर
फिर है इसके अंदर सोइल रोट आता है। सोइल रोट जो होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस आइपोमिया की वजह से होती है। और जो स्कर्फ आती है इसके अंदर, ठीक है, जो स्कर्फ वाली डिजीज होती है वो होती है मोनी अलोचेटस इन्फ्यूज स्कैंस। ओके, उसके बाद है सॉफ्ट रोट। सॉफ्ट रोट जो है वो राइजो पस नाइग्रिकन्स या राइजोपस टोलोनिफर की वजह से होता है। जो राइजोपस रोट है या सॉफ्ट रोट है, दैट इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉमनली अक्रिंग स्टोरेज डिजीज। ठीक है, जो स्टोरेज में जनरली डिजीज आती है वो राइजोपस की वजह से आती है, और ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज की इसकी डिजीज है। उसके बाद एक इसके अंदर क्वेश्चन आता है कई एग्जाम्स के अंदर, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो आप। जो पॉक्स एंड स्कर्फ है, ये जो डिजीज आती हैं वो किस वजह से आती हैं? ये न्यूट्रल और हाई पीएच के कारण इसके अंदर आती है। ठीक है, पॉक्स एंड स्कर्फ किस वजह से आती हैं? न्यूट्रल और हाई पीएच की वजह से। तो ये थी इसके अंदर डिजीज। नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट पेस्ट इसके अंदर कौन से हैं। तो पेस्ट की बात करें तो इसके अंदर निमेटोड्स की प्रॉब्लम पे आती है। तो जो मोस्टली अक्रिंग निमेटोड्स हैं स्वीट पोटैटो में पूरे वर्ल्ड में, वो कौन कौन से हैं? एक तो है रूट निमेटोड, रूट नोट निमेटोड। ठीक है, जो रूट नोट निमेटोड है वो कौन होता है? मेलेडोगाइनी, इकोग्निशिया, और एक होता है रेनिफॉर्म निमेटोड। रेनिफॉर्म निमेटोड होता है रोटिलैंकुलस रेनिफॉर्मिस। तो ये दो निमेटोड हैं, ये इसको बहुत प्रभावित करते हैं हमारी क्रॉप को। ठीक है, एक तो हमने क्या पढ़ा था वेराइटीज के अंदर कि जिसको हम ट्रैप क्रॉप लगा सकते हैं रूट नोट निमेटोड्स के लिए, वो कौन सी थी, कौन सा कल्टीवर था? श्रीभद्रा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। श्रीभद्रा जो है दैट इज एक्सीलेंट ट्रैप क्रॉप फॉर रूट नोट निमेटोड। उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है कि मोस्ट सीरियस पेस्ट जो है स्वीट पोटैटो में वो कौन सा है। तो स्वीट पोटैटो का मोस्ट सीरियस पेस्ट वो है स्वीट पोटैटो वीविल। ये भी एएसआरबी नेट में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन जेआरएफ में भी पूछा गया है। तो स्वीट पोटैटो वीविल है इसका सबसे सीरियस पेस्ट, और इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है कई बार, वो है साइलस फॉर्मिकेरियस। ठीक है, और ये क्या है, मोनोफेगस पेस्ट है। मतलब सिर्फ ये स्वीट पोटैटो पे ही डिपेंड रहता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ये एक ही प्रकार की चीज खाता है, बस स्वीट पोटैटो को खाता है। ठीक है, तो ये है मोनोफेगस पेस्ट। और जनरली ये ज्यादा डैमेज कब करता है? जब समर क्रॉप आती है उसके दौरान ये सबसे ज्यादा डैमेज करता है। नेक्स्ट इसके अंदर देखें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है जो है ग्रोथ क्रैक। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रोथ क्रैक कौन सी क्रॉप के अंदर आता है? मेनली ये स्वीट पोटैटो में आता है ग्रोथ क्रैक। और ये किस वजह से होता है? ये होता है मॉइस्चर इम्बैलेंस की वजह से। मान लीजिए कि जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं उस टाइम पे हैवी रेनफॉल हो गया, या फिर हमने इसको इरिगेट कर दिया, तो इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी हम हार्वेस्टिंग करते हैं स्वीट पोटैटो की, तो उससे एक मंथ पहले हम इसके अंदर इरिगेशन देना बंद कर देते हैं, ताकि इसमें ग्रोथ क्रैक जैसी प्रॉब्लम ना आए। ये आप पिक्चर में देख सकते हो किस प्रकार से ये इसमें क्रैकिंग हो जाती है। ओके, तो ये थे स्वीट पोटैटो के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जनरली जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी ये। ओके, थैंक यू एवरीवन।